आशा के मोती चैनल में 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि और कथा। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से करें तो यह और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का प्रारंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था। उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। पूजा विधि। शिव जी की मूर्ति भांग बेलपत्र जल धूप दीप गंगा जल धतूरा इतर सफेद चंदन रोली अष्टगंध सफेद वस्त्र नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना लें। किसी भी पूजा या व्रत को आरम्भ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल अक्षत पान का पत्ता सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित करें। हाथ में अक्षत और फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आवाहन करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल के बाद सफेद वस्त्र अर्पित करें। सफेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं और तिलक पर अक्षत लगाएं। सफेद पुष्प धतूरा बेलपत्र भांग एवं पुष्प माला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप दिखाएं। भगवान को भोग के रूप में ऋतु फल जम बेल और नैवेद्य अर्पित करें। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था, उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के तीन भाग करना, प्रदोष काल में भगवान शिव जी की आराधना करना, इस पंजीरी के एक तिहाई हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को एक चौथाई गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना, इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौटाया और आज्ञाकारी बन गया। सबके पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकी यह सुनकर बहुत खुश हुई। जय भोले बाबा की। हर हर महादेव।